अस्सलाम वालेकुम पाक व्हील्स, मेरा नाम है सुनील मांझा। मैं पाक व्हील्स यूज़र रिव्यू सीरीज़ के एक और एपिसोड साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम जिस गाड़ी का यूज़र रिव्यू लेके आए हैं, ये किया स्टॉनिक है। काफ़ी अर्से से काफ़ी शोर था कि जी किया की नई प्रोडक्ट आने वाली है, और हमारे साथ आज तैयब मौजूद है जिनकी ये गाड़ी है। अगर आप अपनी गाड़ी बेचना चाहते हैं तो पाक व्हील्स पर अभी एड लगाएं, डेलाइट में पिक्चर्स लें, एड पर गाड़ी की मुनासिब कीमत रखें, गाड़ी की मुकम्मल तफसील लिखें और एक्टिव फोन नंबर देकर एड पोस्ट कर दें। क्विक ऑफर के लिए अपना ऐड फीचर करवाएं और 40 लाख जेन्युइन खरीदारों तक रसाई हासिल करें। टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है ये भी? जी, EX+। EX+, अच्छा। और ये गाड़ी आपके पास कब से है? मुझे अराउंड एक महीना हो गया। अच्छा, मेरा ख्याल है नहीं, जिस दिन पहले दिन लॉन्च हुई थी शुरू की डिलीवरी में से। हाँ जी, बिल्कुल। तो आपने क्या पहले बुक करा ली थी, इनको जानने वाला था क्या? जानने वाला भी था और थोड़ा सा ऑन भी दिया था। जानने वाला भी था फिर भी ऑन दिया था। हाँ जी। अच्छा, 3,000 तकरीबन चल गई है। तो ये इसकी इनवॉइस प्राइस क्या है? इनवॉइस प्राइस इसकी है 3880 है। ठीक है, 3860 है शायद। और आपको कितने की पड़ी? मुझे पड़ गई थी ये 41 की। या सी उठा गई 41 की, मतलब 2 लाख रुपए ऑन दिया आपने विद टैक्स, 1 लाख। ठीक है। अच्छा, अब हमेशा हम लोगों से पूछते हैं और उनका उनका परचेजेशन समझने की कोशिश करते हैं, इससे पहले आप कौन सी गाड़ी चला रहे थे? इसके पहले मेरे पास ग्रैंडी थी। ठीक है। और सिविक थी। ठीक है। अभी ग्रैंडी बेची है और ये लिया है। अच्छा, अब जब आप ये गाड़ी लेना चाह रहे थे तो क्या आप मार्केट में कोई और गाड़ियाँ भी कंसिडर कर रहे थे कि आपने कहा यार मेरे पास ये गाड़ी आ रही है और मैंने यही लेनी है? व्हाट वाज द परचेज डिसीजन, किस तरह का था आपका? बस ये जिस दिन लॉन्च हुई थी उसी दिन मैं यहाँ से किया कि शोरूम के आगे से गुजरा था। ठीक है। तो बस गाड़ी देखी तो पसंद आई। सही है। फिर अगले 2-3 दिन बाद मैंने फिर यही डिसीजन लिया कि यही लेते थे। तो आपको नहीं लगता कि सिविक और करोला के बाद ये डाउनग्रेड है? डाउनग्रेड इस सेंस में है कि जरा कॉम्पैक्ट है, वैसे फीचर्स वाइज तो काफी ऊपर है उनसे। अच्छा, एयरबैग्स भी इसमें 6 हैं। ठीक है। और ड्राइव भी अच्छी है इसकी। सो अगर चलिए फीचर से स्टार्ट करते हैं, तो अभी आपके पास आपने सर बताया कि एक तो जो इसका सुपीरियर फीचर है करोला से भी, सिविक से भी, एक तो इसमें एयरबैग 6 हैं, सेफ्टी फीचर हो गए, और इसके अलावा इसमें यानी आपको ऑटो डिमिंग मिरर आ गया, सनरूफ उनमें भी है। ठीक है। क्लाइमेट कंट्रोल इसमें सिंगल जोन है, उन दोनों में डुअल जोन है। आपने ये गाड़ी खरीदी तकरीबन 40 लाख रुपए की, 3,000 चला ली है। चले उस लिहाज से तो आपका जो है ना, क्योंकि आपने जो दोनों प्रोडक्ट यूज़ किए उसके बाद ये बड़ा अच्छा, एक यूजर्स के लिए बड़ा अच्छा हो जाएगा। सो अगर आप इसकी ड्राइव को कंपेयर करें बोथ फ्रॉम सिविक एंड ग्रैंडी, अगेन माय क्वेश्चन वुड बी, मुझे ये लगता है, मैं पर्सनली स्पीकिंग अगर बात करूं, कि अगर सिटी, यारिस, एल्सविन का यूज़र आएगा उसके लिए अपग्रेड है। एक आम लोगों का ख्याल है, मेरा भी आम लोगों की तरह ख्याल है, अभी तक मैंने गाड़ी ना चलाई ना टेस्ट ड्राइव की, तो मुझे लगता है कि सिविक करोला वाले के लिए शायद ये एक डाउनग्रेड हो। तो इन टर्म्स ऑफ ड्राइव आपने बता दिया ऑप्शन वाइज उनसे कोई चीज़ में बेहतर है कम नहीं है, इन टर्म्स ऑफ ड्राइव कैसी? इन टर्म्स ऑफ ड्राइव अच्छी है, बस आप अगर खींचना चाह रहे हैं तो पहला 1 सेकंड लैग करेगी, उसके बाद फिर गाड़ी मतलब भागती भी है, चलती है, सही चलती है। 1400 cc टर्बो है, नेचुरली एस्पिरेटेड 1400 cc है, MPI इंजन। ठीक है। और इसकी जो अगर सीटिंग कैपेसिटी की बात करें, अगेन मेरा ख्याल था छोटी होगी, आगे से तो बिल्कुल ठीक है, पीछे वाले लोगों के लिए कैसी है? पीछे वाले लोगों के लिए बस ठीक है, यानी इतनी कंफर्टेबल नहीं है जितनी सिविक और ग्रैंडी में। ठीक है। बाकी 3 लोग भी बैठ रहे हैं लेकिन वो सिटी में बैठ सकते हैं, लॉन्गर जर्नी पे नहीं बैठ सकते। ठीक है। सो यानी यहाँ पे जहाँ पे एक परसेप्शन आती है कि बाकी डाउनग्रेड उस सेंस में है कि साइज वाइज छोटी है। ठीक है। अच्छा, अब एक और सवाल होता है लोगों का कि ये एंट्री लेवल क्रॉसओवर या एसयूवी है, कई लोग होते हैं मेरे जैसे जो कहते हैं नहीं यार कहाँ कितों दी एसयूवी है, तो बहुत छोटी है, तो आपके ख्याल से डज इट क्वालिफाई टू बीइंग ए क्रॉसओवर एसयूवी कैटेगरी या बिल्कुल ये एक बड़ी हैचबैक इसको कह सकते हैं? क्रॉसओवर एसयूवी वगैरह नहीं इसको कह सकते। मैंने किसी को कहा था कि किया रियो को थोड़ा सा ऊंचा कर दें, थोड़ा सा बल्की कर दें उसको। ठीक है। तो ये स्टॉनिक बन जाती है। ठीक है। अच्छा, और अगर हम गाड़ी की फ्यूल एवरेज की बात करें, बिकॉज हमारे यहाँ पे लोगों को फ्यूल एवरेज का बड़ा कंसर्न होता है, तो क्या फ्यूल एवरेज आपको कितनी दे रही है अभी? फ्यूल एवरेज अगर नॉर्मल चलाएं शहर में तो 13 तक कर देती है। ठीक है। अगर थोड़ा सा खींच के चलाएं तो 12 तक रहती है। अच्छा, 12-13 इज नॉट अ बैड एवरेज, बिकॉज जो आप पहले जहाँ से आ रहे हैं वो तो मेरा ख्याल है 9-10 मैक्सिमम करती है। बिल्कुल। ठीक। और 12-13, और ये सब फ्रंट व्हील वेरिएंट, इसमें तो ऑल व्हील आता है, इसमें ऑल व्हील और पैनोरामिक भी नहीं आता, सनरूफ ही आता है। बिल्कुल, सनरूफ आता है। अच्छा, इसके जो इंटीरियर के अंदर हम ऑप्शंस की बात करें, जो इसके ये हेड यूनिट है मुझे इसकी प्लेसमेंट बड़ी अच्छी लगी, स्पेस जो शेप है वो भी बड़ी अच्छी है, तो इसकी एफिकेसी कैसी है? कनेक्टिविटी से आपने बताया कि एंड्रॉइड ऑटो,
बहुत ईजी, आप गाड़ी में बैठते हैं सारा कुछ खुद ही कनेक्ट हो जाता है और एप्पल कार्ड प्ले भी खुद ही ऑन हो जाता है। सही है। और किसी चीज की और साउंड की क्वालिटी ठीक है, या जिस तरह आप अगर सेडान जिनके हम बात करते हैं उनमें तो आप फोन करते होंगे, अगर आपने सिविक और टोयोटा रखी है जी, तो हेलो जब आप करते होंगे तो अगला कहना होगा यार फोन बंद कर। नहीं, मैं जब से ये गाड़ी लिया मैं तब से इसके ही माइक में बात करता हूं, इसी के उससे पहले तो नहीं करते होंगे। उससे पहले तो होती नहीं थी, वो बंदा हेलो कहता है अगला कहता है यार हेलो आवाज नहीं आ रही, खत्म ही हो जाता काम। बिल्कुल। अच्छा, तो यानी इसकी हेड यूनिट की क्वालिटी अच्छी, रिवर्स कैमरा विद गाइडिंग लाइंस है, विद गाइडिंग लाइंस है, और पार्किंग सेंसर्स भी हैं फ्रंट और बैक, फ्रंट बैक दोनों पे। अच्छा, बड़ी बात है क्योंकि जो इसका साइज है उसके साथ मैंने एक्सपेक्ट करा था कि दे रहे होंगे। हाँ, ऑप्शन वाइज पे देखा जाए तो काफी कुछ है, 6 एयरबैग हैं, ABS है आपके पास, ये जो है हैंडब्रेक नॉर्मल दी है वरना इलेक्ट्रिक होती है, एंड्रॉयड ऑटो है, क्लाइमेट कंट्रोल है, क्रूज कंट्रोल भी है, क्रूज कंट्रोल भी है, और लिमिट भी कर सकते हैं आप स्पीड को। अच्छा, दोनों चीजें जी बिल्कुल। और आप इसको लॉन्ग पे भी लेके गए? लॉन्ग पे भी लेके गया हूँ मैं इसको। लॉन्ग के ऊपर मैं सिर्फ इसलिए पूछ रहा हूँ कि ज्यादातर होता है कई गाड़ियों में बॉडी रोल वगैरह है, या अगर आप किसी बस वगैरह के साथ से गुजरते हैं तो एकदम फ्रेशर फील होता है। बिल्कुल भी बॉडी रोल नहीं है, यानी आप अगर इसको 150 पे भी अगर आप लास्ट लेन से फर्स्ट लेन में लेके जा रहे हैं तो कोई इसमें बॉडी रोल नहीं होता। दिस मींस इसकी सस्पेंशन भी अच्छी है और रोड ग्रिप भी अच्छी है। जी बिल्कुल। अच्छा, खड्डों वड्डों पे कैसी है? खड्डों पे बस ठीक है, यानी सिविक से अच्छी है, ग्रैंडी से थोड़ा सा नीचे। शुक्र है कोई बंदा तो एग्री किया कि सिविक की गड्डों में परफॉर्मेंस बुरी होती है, ग्रैंडी की बेहतर है, उसके बीच में, इसके बीच में ठीक है। और ग्राउंड क्लियरेंस कैसी? बिकॉज मुझे अभी बैठते हुए इसमें ऐसे लगा कि मैं शायद बहुत लंबे कद का आदमी हूँ, गाड़ी मेरे से नीचे कभी खत्म हो गई थी, तो मैंने रियलाइज किया कि यार इसकी, और मुझे लगता है आई माइट बी रॉन्ग, इसकी और करोला की हाइट एक होगी। नहीं, इसकी थोड़ी सी कम है, यानी मेरे ख्याल 5 मिलीमीटर का इसमें फर्क है। अच्छा, यानी कम है इसकी ग्राउंड क्लियरेंस। ग्राउंड क्लियरेंस अच्छा, यानी करोला वॉज हायर देन दिस, अगेन ये करोला और सिविक के दरमियान होगी। बिल्कुल ठीक। बाकी है। इसके बम्पर्स जो हैं फ्रंट और बैक वो जरा इस तरह इन्होंने डिजाइन किए हैं कि आप किसी स्लोप पे चढ़ा रहे हैं तो नीचे लगते नहीं है। फ्रंट भी और बैक भी। अच्छा, ये जो इंटीरियर में इन्होंने कलर का यूज किया है इसके बारे में आपको क्या ख्याल है? इसके बारे में कुछ लोगों को अच्छा लगता है, कुछ लोगों को बुरा लगता है, मुझे ठीक लगा। आपको अच्छा लगा? जी हाँ, थोड़ा एक स्पोर्टी कट आई थी कि आप गाड़ी में बैठ के एक फील आती है वो। हाँ जी, और अच्छा मैंने एक इश्तेहार इनका देख रहा था कहीं इश्तेहारों में, ये वो हर जगह ज्यादातर ये वो, आई माइट बी रॉन्ग बट इट वाज पोर्ट्रेड एज समथिंग एज अ लेडीज कार, आपको लगा? यंगर्स की कार, यंगस्टर्स की कार कह सकते हैं, मतलब लेडीज भी कह सकते हैं। ऐड उनके से मुझे लगा था, वैसे तो मतलब ऑब्वियसली गाड़ी पे कहीं नहीं लिखा होता कि लेडीज है कि जेंट्स है, बट देयर आर सर्टेन कार जो लोग कहते हैं जी क्लासिफाई लोग भी की जाती है, ये खवातीन की गाड़ी, इसमें वॉक्स वैगन को लेडीज कार कहा जाता था, तो इसलिए मैंने ये सवाल पूछा। अच्छा, और कोई चीज़ जो मिस करते हो आप? कह मैंने 40 लाख रुपए, खैर अब 40 लाख रुपए की वैल्यू नहीं रही, पहले तो 40 लाख रुपए बड़ी अमाउंट थी मुझे याद है, अगर स्टार्टिंग में इनकी जो स्पोर्टेज का बेस वेरिएंट अल्फा वो तकरीबन इसी प्राइस पे था, 43-42 पे कहीं शुरू होता था, तो और मुझे शुरू में जब ये गाड़ी आई तो मुझे ऐसा लगता था कि कैमोफ्लाज करेंगे एक दूसरे की सेल को, बट अगेन प्राइसेस ऊपर चली गई और गैप फिर बढ़ गया। तो आपको क्या लगता है कोई चीज़ मिस करते हो कि यार ये इतने पैसे खर्चे, ये भी होता फीचर्स में अगर आप कहें तो, जब एक इसका बाहर निकल गया हम इसको लॉक करते हैं गाड़ी को तो उसके मिरर्स रिट्रैक्ट नहीं होते, ठीक है, एक ये हो गया। दूसरा इसका गियर शिफ्टिंग जो है थोड़ी सी लैग करती है, जब आप फर्स्ट गियर से सेकंड में जाते हैं तो थोड़ा सा फील करवाती है, जर्क आता है उसमें। कितने की स्पीड गियरबॉक्स है उसका? 6 स्पीड है, ट्रिप्टोनिक है ना? हाँ जी, ट्रिप्टोनिक है। ठीक। सो गियर के अंदर आप कह रहे हैं लैग है, सो पावर की थोड़ी कमी आपको लगता है डिलीवरी में फर्क है? पावर की कमी नहीं है, बस 1 सेकंड का उसमें आता है गैप जब आप इसको, सिर्फ फर्स्ट सेकंड में कि तमाम गियर में? नहीं नहीं, सिर्फ फर्स्ट और सेकंड। ठीक है। और पैडल शिफ्टर नहीं है, ट्रिप्टोनिक है, आप यहां से अगर कर रहे हैं तो आप प्लस माइनस कर सकते हैं। अच्छा, ये चीज मिस करते हैं, और कोई चीज? और पैनोरामिक सनरूफ होता तो बेहतर होता, क्योंकि इस प्राइस में तो होना चाहिए था। सही है। फिर गाड़ी थोड़ी सी ओवर प्राइस्ड है। ये आप थोड़ा तरद्दुद से काम लेंगे, थोड़ी सी नहीं काफी है, मुझे लगा काफी है। मतलब व्हाट वुड बी एन आइडियल प्राइस आपके ख्याल से? जो फुल ऑप्शन गाड़ी है उसकी आई थिंक 36 होनी चाहिए थी, 35-36 और जो बेस है वो 32-33 बाय दैट स्टैंडर्ड तकरीबन 4 लाख रुपए महंगी लगती है। बिल्कुल सही है। अच्छा, आपने गाड़ी रजिस्टर करा ली थी? अभी रजिस्टर नहीं करवाया। अच्छा, इसकी रजिस्ट्रेशन कॉस्ट क्या होगी वैसे? अंदाजा अराउंड 90k, 90,000। 1400 सीसी है तो टोकन भी जायज होगा, 1500 सीसी के नीचे वाला लगेगा। ठीक हो गया। स्पेयर व्हील इसमें फुल साइज है कि स्पेस सेविंग है? स्पेस सेविंग है। स्पेस सेविंग है। अच्छा अच्छा, तो लॉन्ग के लिए, क्योंकि सर लॉन्ग ट्रैवल पे जो लोग करते हैं उनका ये सवाल होता है कि जी इसमें स्पेस सेविंग है कि नहीं है। आप इसको लॉन्ग पे कितना कहाँ तक लेके गए हैं? लॉन्ग पे मैं इसको लेके गया था बहावलपुर तक। अच्छा, आपका ताल्लुक बहावलपुर से? नहीं, वैसे ही शादी थी वहाँ। अच्छा, सो बहावलपुर तक लेके गए थे, तो मोटर वही होगी ज़्यादातर, तो उसके बाद थोड़ी सी आपको मिली होगी दूसरी NH5 जो है। बिल्कुल सही। और मतलब अभी आप इसको हिली एरिया यहाँ पर कहीं नहीं लेके? नहीं, क्योंकि अक्सर लोगों का सवाल ये होता है, हमारे मुल्क में एक स्टैंडर्ड गेज ऑफ पावर ये है कि जी मरी चढ़ जाती है या मुनाल चढ़ी जाती है, जरूरी भी है ना। अच्छा, तो वहाँ पर अभी तक नहीं आप लेके गए? नहीं। अच्छा, इसके कंट्रोल भी मैं देख रहा था, इसके कंट्रोल भी रिवर्स है? हाँ जी, दूसरी साइड का है।
ठीक है। और हेडलैम्प्स जो है इसके बायज़ीनॉन नहीं एलईडी है। एलईडी है और डीआरएल्स भी हैं। डीआरएल्स भी है। अच्छा गाड़ी के पार्ट्स के बारे में इन्फॉर्मेशन हमेशा पूछते होते हैं, जब मैं कोई नई गाड़ी लेने रखता हूँ मैं सबसे पहले सोचता हूँ इसके पार्ट्स मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे और कितने के मिलेंगे, तो आपने कोई रिसर्च की थी कि इसके नहीं, पार्ट्स मैंने इसके रिसर्च ली थी इसके पार्ट्स। अभी भी नहीं की? नहीं अभी भी नहीं, क्योंकि स्पोर्टेज की जो बत्ती है वो तो मेरा ख्याल है बेचे तो एक लें तो लैंड क्रूज़र की दो बत्तियाँ आ जाती हैं उतने में, तो मुझे नई गाड़ियों से इतराज़ है कि इनके पार्ट्स महंगे हैं। बट अगेन किया का जो सर्विस नेटवर्क है वो पूरे पाकिस्तान में है, तो उस लिहाज से आई थिंक अवेलेबिलिटी का इशू नहीं होना चाहिए। सो ये था आज का रिव्यू। अगर आप भी किया की नई स्टॉनिक के बारे में इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं तो हमारे न्यू कार सेक्शन के ऊपर जाएं, वहाँ पे आप डिफरेंट इसकी जो ऑप्शंस और वेरिएंट्स हैं उनको कंपेयर भी कर सकते हैं। हमारे ऑन रोड प्राइस कैलकुलेटर के ऊपर जाके आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके स्पेसिफिक सिटी में ये गाड़ी क्या कॉस्ट करेगी। मेरे ख्याल से अभी ये वो गाड़ी है जो कि आई थी, तो उन्होंने इसकी जो डिलीवरी टाइम है उसको काफ़ी प्रॉमिस जो उन्होंने किया था कंपनी ने वो 1 से 2 महीने के अंदर अंदर दे रहे थे, जो कि खुशाइन बात है। अभी सड़कों पर बहुत ज़्यादा नज़र आना नहीं शुरू हुई, तैयब साहब के दोस्त थे जिन्होंने इसे ऑन भी ले लिया, गाड़ी भी दे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में या महीनों में हमें ये गाड़ी सड़क पे नजर आना शुरू हो जाएगी। जितनी फ्रीक्वेंटली किया स्पोर्टेज नजर आती है, जैसे वो 50,000 यूनिट ने बेचे हैं, उस नंबर को पहुंचने में तो टाइम लगेगा। मुझे पर्सनली थोड़ा बहुत लगता था कि ये गाड़ी थोड़ी सी ओवर प्राइज्ड है, जिस तरह तैयब ने भी कहा। हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए इसका एक डिटेल जो है एक्सपर्ट रिव्यू भी लेके आएंगे। और अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि आपको आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। कॉमेंट सेक्शन में अपनी राय से आगाह करते रहें। ये था आज का रिव्यू, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। अगले रिव्यू में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपने गिरदन वाकिलों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।